जय श्री राम मित्रों, स्वागत है मित्रों आज के इस हिस्ट्री के इस वीडियो के अंदर। देखिए हिस्ट्री के जो सोर्स क्वेश्चन है वो या सोर्स नोट्स है वो किस प्रकार से होते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर बता दिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपका वो है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग क्या है, तो वो जाएंगे लाल रंग। चावल के साग से मिले थे लोथड़ एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है वो पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, वो तो दयार बनर्जी ने 1992 में की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति की कहाँ से मिली थी, वो मोहनजोदड़ो से मिली। देखिए ये हिस्ट्री के सोर्स नोट्स है या सोर्स क्वेश्चन ही मान लीजिए आप इनको, या आपकी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आराम से इससे आप तैयारी कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी वो नानागर मोहनजोदड़ो की थी। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक बृहद स्नानगढ़ थी। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। और खुदाई की हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी की। पुराणों की संख्या थी 18। पुराणों की रचना कब हुई थी, ये गुप्त काल में हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता थे तो लोहरस और उग्रवंता। और वेदांग और वेदांगों की संख्या थी, वेद थे 4 और वेदांग थे 6। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की जो संख्या थी वो 108 थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान तो वो था अलबरूनी। अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। उपनिषद का विषय वस्तु था दर्शन और ब्रह्मांड का अर्थ है कर्मकांड से है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको शॉर्ट्स नोट्स बता दिए। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह के हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स क्वेश्चन देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।